नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लवलीन बोरगोहेन के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं। लवलीन बोरगोहेन टोक्यो ओलंपिक 2021 में मुक्केबाजी में पदक जीत चुकी है। इसी वजह से लवलीन बोरगोहेन से संबंधित प्रश्न हमारे आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसी कारण से लवलीन बोरगोहेन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट जैसे कि लवलीन बोरगोहेन की उपलब्धियाँ, लवलीन बोरगोहेन को मिले हुए अवार्ड, लवलीन बोरगोहेन की व्यक्तिगत जानकारी, लवलीन बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है, किस खेल के किस कैटेगरी से संबंधित है, ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु को हम एक एक करके अच्छे से चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत जानकारी। सबसे पहले देखते हैं इनका पूरा नाम क्या है। इनका पूरा नाम है लवलीन बोरगोहेन। लवलीन बोरगोहेन का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म आपको 2 अक्टूबर 1997 को हुआ। लवलीन बोरगोहेन का जन्म कहाँ हुआ? तो लवलीन बोरगोहेन का जन्म गोलाघाट, जो कि असम में है, वहाँ पर हुआ। देखिए दोस्तों, इस तरह का प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एमसी मेरी कॉम किस राज्य से संबंधित है, हिमा दास किस राज्य से संबंधित है। तो लवलीन बोरगोहेन भी पदक जीत चुकी है, तो इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लवलीन बोरगोहेन भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम। लवलीन बोरगोहेन भारत के असम राज्य से संबंधित है। देखिए दोस्तों, लवलीन बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? तो लवलीन बोरगोहेन महिला मुक्केबाज है, जो कि 69 केजी वाले कैटेगरी में खेलती है। 69 केजी वाले कैटेगरी को ही वेल्टर वेट कैटेगरी भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इस तरह का जो प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा वायरल है। अगर आपको खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, यदि आपको ओलंपिक से या फिर आपको कॉमनवेल्थ गेम, एशियाड और किसी से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछता है, तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि एमसी मेरी कॉम किस वर्ग में खेलती है, बजरंग पुनिया किस वर्ग में खेलते हैं। तो इसलिए आपको लवलीन बोरगोहेन भी पदक जीती है, तो आपसे इसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि लवलीन बोरगोहेन किस वर्ग में खेलती है, किस कैटेगरी में खेलती है। तो लवलीन बोरगोहेन 69 केजी वाले कैटेगरी में खेलती है, जिसको वेल्टर वेट भी कहते हैं। तो आपको लवलीन बोरगोहेन वेल्टर वेट वाले कैटेगरी में खेलती है। लवलीन बोरगोहेन के वर्तमान कोच का नाम क्या है? तो लवलीन बोरगोहेन के वर्तमान कोच का नाम है प्रशांत कुमार दास। तो चलिए अब हम लोग लवलीन बोरगोहेन की उपलब्धियां के बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं लवलीन बोरगोहेन की उपलब्धियां। टोक्यो ओलंपिक 2021 में ब्रॉन्ज मेडल, विश्व चैंपियनशिप 2018 में ब्रॉन्ज मेडल, विश्व चैंपियनशिप 2019 में ब्रॉन्ज मेडल, एशियन चैंपियनशिप 2017 में ब्रॉन्ज मेडल, एशियन चैंपियनशिप 2021 में ब्रॉन्ज मेडल। देखिए दोस्तों, अभी तक ये जो मेडल जीती है वो आपको ब्रॉन्ज मेडल ही जीती है, इसको याद रखने का ट्रिक देखिए। लवलीन बोरगोहेन में आपको वो है, ब्रॉन्ज में भी आपको यहाँ वो है। तो आपको लवलीन बोरगोहेन जो है वो अभी तक जो भी मेडल जीती है ब्रॉन्ज मेडल ही जीती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं लवलीन बोरगोहेन को अभी तक कौन कौन सा अवार्ड मिल चुका है। देखिए दोस्तों, लवलीन बोरगोहेन को कौन कौन सा अवार्ड मिला है? तो बस एक ही अवार्ड मिला है, वो है आपको अर्जुन अवार्ड, जो कि 2020 में मिला है। 2020 में लवलीन बोरगोहेन को महिला मुक्केबाजी के लिए अर्जुन अवार्ड मिला। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं लवलीन बोरगोहेन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मैरी कॉम के बाद लवलीन बोरगोहेन भारत की दूसरी महिला मुक्केबाज बनी जो ओलंपिक में कोई भी पदक जीती हो। यानी कि इससे पहले सिर्फ मैरी कॉम ही एक ऐसी महिला मुक्केबाज है जो ओलंपिक में कोई भी पदक जीत चुकी हो। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, असम की पहली महिला मुक्केबाज बनी जिसने ओलंपिक में क्वालिफाई की हो। यानी कि इससे पहले कोई भी असम से महिला मुक्केबाज ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं की थी। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि शिवा थापा के बाद असम की दूसरी मुक्केबाज बनी जो कि ओलंपिक में क्वालिफाई की हो। देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में कंफ्यूज नहीं होना है। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है महिला मुक्केबाज, जबकि पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है सिर्फ मुक्केबाज। तो असम की पहली महिला मुक्केबाज बनी है जो ओलंपिक में क्वालिफाई की है, ये पॉइंट 2 कह रहा है। और पॉइंट 3 में कह रहा है कि असम की महिला नहीं सिर्फ मुक्केबाज बनी है दूसरे नंबर की जो आपको ओलंपिक में क्वालिफाई की है। तो पहले नंबर का कौन है? शिवा थापा, जो कि पुरुष है। शिवा थापा पुरुष है, आपको वो पहला असम का मुक्केबाज था जो ओलंपिक में क्वालिफाई किया था। उसके बाद दूसरा मुक्केबाज आपको लवलीन बोरगोहेन बनी जो कि आपको ओलंपिक में क्वालिफाई की। अगर महिला मुक्केबाज की बात करें तो असम राज्य की पहली, और पदक जीतने का बात करें तो भारत की दूसरी महिला मुक्केबाज है जो मैरी कॉम के बाद आपको ओलंपिक में कोई भी पदक जीती हो। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, यदि नहीं अच्छा लगा तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।